एंड वेलकम गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनिमल फार्मिंग। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पिछले वाले एपिसोड में हम लोग डायमंड माइनिंग करने गए थे, तो वहाँ से हम लोगों को थोड़े बहुत डायमंड मिल गए थे। तो उससे हम लोगों ने बनाई थी अपने लिए एन्चेंटमेंट टेबल। तो एन्चेंटमेंट टेबल से हम लोग अच्छी एन्चेंटमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक उसके तीनों तरफ उसके 15 बुक शेल्फ नहीं हो। तब तक हम लोग उससे अच्छी एन्चेंटमेंट नहीं कर सकते। और मेरे को अपने डायमंड टूल्स के लिए अच्छी एन्चेंटमेंट चाहिए, और मैं जल्द से जल्द अपनी एक्सपी भी ग्रोथ करता हूँ। तो ऑफलाइन मैंने कुछ काम किया है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक एनिमल फार्म बनाया है छोटा सा, जिसमें एक के अंदर मैंने रखे हुए काउस को और एक के अंदर रखा है मैंने शीप को। और ये लंबा कैसे घुस गया आई डोंट नो गाइस, मेरे को कुछ नहीं पता कि लंबा कैसे अंदर आया। और ये वीट आप लोग जो देख रहे हो, मेरे पास आप लोगों को पता है 10 वीट थी, ज़्यादा नहीं थी, 10 ही थी। तो यहाँ से जितने भी उग रहे थे, मैंने उन सब वीट्स को वगैरह को सबको तोड़ दिया। लेमन को नहीं तोड़ा क्योंकि उनसे कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि इनको मैं जब तक 2-3-4 एक साथ नहीं खाऊँ तब तक मेरी हेल्थ भी नहीं बढ़ती, तो इसलिए मैंने लेमन्स को नहीं तोड़ा, उनको वहीं पर रखा हुआ है। तो अभी हम लोगों को इनकी पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो मैंने अभी इनको जस्ट खाना खिलाया, उनकी ब्रीदिंग अभी हुई है, तो ये 5 हो चुके हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग पे इन लोगों की ब्रीदिंग फिर से करवाएंगे। तब तक के लिए आज अपना काम क्या होगा, तो हम लोग पिछली बार हम लोगों को काफ़ी कम आयरन मिला था, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा और ट्राई करें और हम लोग डायमंड और ढूंढें, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ढूंढेंगे, एन्चेंटमेंट भी चाहिए होगी। तो अभी तो हम लोग चलते हैं डायमंड को ढूंढने। गाइस, तो हम लोग थोड़ी बहुत टॉर्चेस वगैरह बना लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा ही बनाएंगे ताकि क्या हम लोगों को जल्दी ना आना पड़े। और आप लोग देख रहे हो मेरे डायमंड के मतलब इसकी पूरी तसियाँ उड़ी पड़ी हुई है, तो इसके एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम लोगों को बनानी पड़ेगी एक एनविल, जिसकी रेसिपी मेरे को याद नहीं है, तो मैं एक मिनट जरा देख लेता हूँ उसको। तो ये रहा एनविल, तो उसके लिए हम लोगों को लगेंगे ब्लॉक ऑफ आयरन। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले ठीक है 3 ब्लॉक ऑफ आयरन बनाने हैं, और ये रहा बन के तैयार है हमारा एनविल। तो एनविल को मैं यहीं पे रखूँगा अभी के लिए, तो फिर बाद में मैं इसको कहीं देखते हैं कहाँ रखते हैं, अभी के लिए मैंने इसको यहीं पे रखा है। तो अपनी डायमंड की पिकेक्स को रिकवर करने के लिए हमें अपने थोड़े बहुत डायमंड्स का त्याग करना पड़ेगा। गाइस, 5 ही है अपने पास, लेकिन थोड़ा बहुत इसका त्याग करना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखते हैं, हम ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे, हम लोगों के पास वैसे भी बहुत कम है, तो देखते हैं कितने खर्च होते हैं इसके अंदर। 4 में ही फुल हो रही है, 3 में भी फुल हो रही है, 2 में ये इतनी हो रही है। ठीक है, तो एक डायमंड के अंदर गाइस ये इससे तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अभी मेरे को डायमंड्स बचाने भी हैं, क्योंकि मेरे पास अभी इतने डायमंड है नहीं, तो मैं इसको अभी के लिए इतना ही रहने देता हूँ। तो अभी के लिए इतना ये सही है, तो मैं अभी इन बचे हुए डायमंड्स को रख देता हूँ, और हम लोग चलते हैं अब माइनिंग करने के लिए। खाना अपने पास थोड़ा बहुत है, और थोड़ा बहुत अपने पास कुक भी है, तो इतना अभी के लिए इनफ होगा। जब मेरे को करना है ये कि हम लोग चलते हैं माइनिंग के लिए, डायरेक्शन पिछली बार उधर गया था तो मेरे को मिले थे, लेकिन इस बार मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, तो मैं इस बार इस तरफ जाने वाला हूँ। तो टॉर्चेस लगाते हुए चलते हैं इसी तरफ। तो गाइस, मुझे काफ़ी देर हो गई है, मेरे को डायमंड नहीं मिला है यहाँ पे, इतनी देर हो चुकी है मैं माइन करते करते। मैंने इस रास्ते को सांप की तरह बना दिया, एकदम लहराने वाला रास्ता हो चुका है ये। अभी हम लोग जब वापस जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये किस तरीके का रास्ता हो चुका है वो पूरा। कहीं पर मैंने 2 जगह माइन किया हुआ है, कहीं पर मैंने सिंगल ब्लॉक पर माइन किया हुआ है, कुछ कह नहीं सकते हैं। गाइस, ये डायमंड इतना रेयर क्यों होता है मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन गाइस जब भी मिलता है तो सारी माइनिंग की थकान उतर जाती है। अगर आप लोग इस बात से मेरी सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम लोग चल रहे हैं अपने घर पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डायमंड नहीं मिल रहा है, तो मैं एक काम और करने वाला हूँ, अपने बेस पे पहुँचते सबसे पहले। तो ओके गाइस, मैं अपने बेस पे आ गया हूँ। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं लेवल 11 पे हूँ, वाई 11 पे हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे इतना डायमंड मिल नहीं रहा है, इसीलिए मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं अभी अपने ऊपर वाले लेवल पे जाने वाला हूँ, यानी वाई 12 पे जाने वाला हूँ।
ताकि क्या कि मेरे को थोड़ा बहुत तो आयरन डायमंड मिले यार, कम से कम मेरे को डायमंड मिल ही नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग Y12 पे नहीं Y13 पे चलते हैं, ताकि क्या अपने नीचे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ रहे कम से कम। तो ये हो गया Y13 पे, तो यहाँ से हम लोग अगर डिक करेंगे तो नीचे रहेगा वो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक और ब्लॉक ऊपर जाएंगे, तो एक ब्लॉक और डिक कर लेते हैं पहले। ओके तो ठीक है गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं वाई कितने पे हैं हम लोग, Y14 पे। ठीक है तो अभी हम लोग यहाँ ब्लॉक पे प्लेस करते हैं, अभी हम लोग करते हैं माइनिंग। अभी हम तो गाइस मैं माइनिंग में इतना हो गया कि मैं अपने काउस को खाना देना ही भूल गया, मीट खिलाना ही भूल गया। तो अभी मैं वापस आया हूँ माइनिंग से, और मैं अभी अपनी काउस को वीट खिलाने के लिए आया था। तो अभी के लिए मैं पहले अंदर जाऊँ। मेरे पास जितनी भी वीट थे मैंने सब खिला दिया, और अभी मेरे पास वीट है नहीं, वो वीट थोड़ा बहुत बचा है जो अंदर की अंदर है, उससे मैं इन लोगों की और ब्रीदिंग करवाऊंगा। अभी तो काफ़ी कम है ये, मुझे इस जगह को थोड़ा बहुत बढ़ना है जिससे कि मुझे लेदर मिले, और फिर बाद में मैं अपने लिए, और मेरे को हाँ गाइस अभी याद है उसके लिए पेपर की भी ज़रूरत होती है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पे वो शुगर केन दिख रहा होगा, तो मैं सबसे पहले उस शुगर केन को भी लेके आता हूँ। ओह शिट, यहाँ पे फिर से वो लोग हैं, तो इसके लिए मेरे को शील्ड हाथ में, तलवार दूसरे हाथ में, तो इन लोगों से मैं अभी फाइट लेना नहीं चाहता। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, फटाफट से ये लेऊँगा और यहाँ से चलता बनूँगा, मुझे इन लोगों के दिखना भी नहीं है। तो यहीं कहीं लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देते हैं। तो इनको पानी की ज़रूरत होती है ना उगने के लिए, तो पेपर तो इनसे बहुत इजीली मिल जाएगा, लेकिन मेरे को मेन चिंता है लेदर की। तो लेदर के लिए मेरे को काफ़ी लेदर चाहिए होगा बुक बनाने के लिए, कम से कम मुझे 45 बुक समथिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक को बनाने के लिए 3 बुक लगती है और मेरे को चाहिए होंगे 15। तो आई थिंक शायद मुझे 45 बुक्स ही चाहिए होंगी, हाँ 10 to 15 45 बुक्स, ओके ठीक है 45 बुक्स ही चाहिए मेरे को अंदाजन। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फार्म है, इस फार्म को मैं जल्दी से जल्दी ग्रोथ करने की कोशिश करूँगा, और अपने शुगर केन फार्म को भी जल्दी से, यहाँ से दिख नहीं रहा, ओके दिख रहा है, तो हम लोग अपने शुगर केन फार्म को भी जल्द से जल्द ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट वाला एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें हम लोग अपनी बुक शेल्फ वगैरह बनाएंगे और अपने टूल्स को एनचेंट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो बाय।